How to fix Samsung A20 call display not showing problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने Samsung के डिवाइस में कॉल डिस्प्ले नॉट शोइंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमें जब भी कॉल आते हैं तो कॉल आने पर दोस्तों शो नहीं होते डिस्प्ले पर। ठीक है, इस तरीके का प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। तो अगर दोस्तों आपको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, आप दोस्तों एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखिए। ठीक है, अगर रिस्टार्ट से काम बन जाते हैं तो ठीक है, अगर रिस्टार्ट करने के बाद भी दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो जाइए दोस्तों अपने मोबाइल के सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, ऐप्स पर जाना है और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपको आते जाना है और फ़ोन पर क्लिक कर देना है, फ़ोन सर्विस या फिर फ़ोन। उसके बाद जाना है आपको स्टोरेज पर, क्लियर डेटा पर क्लिक करते हुए ओके कर देना है। डेटा क्लियर करने के बाद दोस्तों आपको जाना है परमिशंस पे और सारे परमिशंस अलाउ कर देना है। सारे परमिशंस अलाउ करने के बाद दोस्तों आप अपने डिवाइस को रिस्टार्ट करें और चेक करके देखें सॉल्व हो चुका होगा आपका प्रॉब्लम। ठीक है, और सैमसंग के डिवाइस में दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस का सेटिंग भी होते हैं जो कि मैं आपको शो करके अभी बताऊंगा। ठीक है, तो थ्री डॉट्स पर क्लिक करते हुए सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों कॉल बैकग्राउंड पे जाके लेआउट चेक करेंगे। लेआउट दोस्तों कुछ इस प्रकार से भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेआउट दोस्तों आप अपने हिसाब से सेट कीजिए और यहाँ पर आप देखिए कॉल डिस्प्ले वाइल यूजिंग एप्स, तो इसको भी आप यहाँ पर सेट कीजिए। फुल स्क्रीन चाहिए, कॉल पॉपअप चाहिए या फिर मिनी पॉपअप चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप ये सब सेटिंग सेट कर देते तो अच्छे से काम कर जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाय एनी चांस अगर आपको प्रॉब्लम आते हैं तो आप जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पर। सेटिंग पर जाके दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करना है और मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना है। मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करते हुए दोस्तों आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाय एनी चांस सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दोस्तों मोबाइल पे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन यूज़ करना होगा। ठीक है, जैसे कि डिफ़ॉल्ट डायलर ट्रू कॉलर, तो ट्रू कॉलर को ऐसे डिफ़ॉल्ट डायलर आप यूज़ कीजिए तो इससे काम बन जाएगा कुछ दिन के लिए। ठीक है, जब तक कि नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आते तब तक आपको यूज़ करना है, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट में 100% सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। तो इस तरीके से कॉल डिस्प्ले नॉट शोइंग प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।